सोनी, बस करना सोनी, इसमें इतने रोने की क्या बात है। हमें तो उनके लिए बहुत खुश होना चाहिए कि उनकी शादी एक ऐसे इंसान से हुई है जिनसे वो बहुत प्यार करती है, हमारे जीजू को वो कितना पसंद करती है, और फिर उनकी नई जिंदगी शुरू। अब तुझे क्या हुआ? देखना सोनी, मैं भी कितनी पागल हूं ना, कब से तुझे समझा रही और खुद ने दी का बिस्तर लगा दिया, भूल ही गई कि अब भी हमारे साथ नहीं सोएगी। सोनी, माही। जी मम्मी जी। क्या कर रहे हो पुत्र? कुछ नहीं मम्मी जी, कुछ काम था। नहीं पुत्र, कोई काम नहीं, बस मैं अकेली बैठी थी, दिल घबरा रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये घर बहुत बड़ा हो गया है, सोचा तुम दोनों के पास आकर बैठ जाओ। वो क्या है ना मम्मी जी, दी के जाने के बाद घर बहुत खाली हो गया है, शायद इसलिए लगा होगा। हाँ पुत्र, ऐसा भी हो सकता है, खाली जगह बड़ी लगने लगती है। चलो हम मिलकर इसे भर देते हैं। कैसे? हम लोग सब मिलकर सोएंगे आज हमारे कमरे में। सारे? सारे। ये मैं इधर ही सोऊंगा, ये मेरा बिस्तर है। प्रिंस, चल प्रिंस यहाँ से निकल, ये दी का बिस्तर है। लेकिन दी तो ससुराल जा चुकी है ना, तो फिर अब उनका यहाँ क्या है? पुत्र ऐसा नहीं कहते, ये तेरी दीदी की जगह है, उसे वैसे ही रहने दे, और हम लोग सब ने अभी तय किया है कि हम सब एक साथ सोएंगे हमारे कमरे में। नहीं, मैं यही सोऊंगा, लगे तो सही कि दी मेरे पास सो रही है। फोन आया? नहीं आया फोन। मैं कह रही थी कि अगर वहां से फोन नहीं आया तो हम कर सकते हैं फोन। नहीं मोनी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक ही होगा वहां। तो फिर फोन क्यों नहीं आया? शादी की खुशियां मना रहे होंगे वहां, सब याद नहीं रहा होगा। अपनी राजी को नहीं, वो कैसे भूल सकती है, उसे तो पता होगा कि हम लोग बहुत परेशान हैं, वो तो फोन कर सकती थी ना। तू भी ना मुनि, अजीब है। अरे शादी की खुशियां दुल्हन के बिना मनाई जाती हैं कहीं? हमारे राजी को फुर्सत कहां मिल रही होगी? हाँ वो भी है, लेकिन लगता है राजी दी का फोन है। हेलो। हेलो, मैं दुर्गा, दुर्गा खुराना बोल रही हूँ। हाँ बहन जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, खुश भी हूँ। वो कहावत सिर्फ आज तक हमने सुनी थी, लेकिन उसे पूरा होते हुए अपने ही घर में देख रही हूँ। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी जी। वो बच्चों ने, खैर वो तो बच्चे हैं, बचपना तो करेंगे ही, सोचना तो हम बड़े लोगों को ही है।